अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये घटना अपने आप में कई सारे सवालों के जवाब भी मांग रही है। पंजाब के बठिंडा में शादी के समारोह में अचानक एक गोली चलती है और ये गोली सीधा 22 साल की डांसर लड़की के सर पर लग जाती है। खुशियों का जहां समंदर था, वहां अचानक मौत का मातम छा जाता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बठिंडा के आशीर्वाद पैलेस में जमकर डांस चल रहा था। पंजाबी गानों की धुन में मस्त युवा डांस कर रहे थे। पीछे स्क्रीन पर पंजाबी गाने बज रहे थे। उस स्टेज पर चार डांसर्स अपने जलवे बिखेर रही थीं। सभी लोग शादी के जश्न में डूबे थे, लेकिन तभी अचानक स्टेज पर एक गोली चली और पल भर में सब कुछ बदल गया। रईस जादों का शौक एक ऑर्केस्ट्रा डांसर की जान ले चुका था। ये तस्वीरें हैं पंजाब के बठिंडा के मौर मंडी में हो रहे शादी समारोह की, जहां लोगों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम किया गया था। सफेद कपड़े पहने कुलविंदर बाकी लड़कियों के साथ स्टेज पर डांस कर रही थी। तभी स्टेज पर पीछे से एक बंदूक लहराई, गोली चली और कुलविंदर वहीं गिर गई। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि कुलविंदर की कोख में नन्ही सी जान करवटे ले रही थी। वो अपने बच्चे को बेहतर कल देने के लिए स्टेज शो करने को मजबूर थी, लेकिन इससे पहले कि इस माँ की हसरतें पूरी होती, उससे पहले ही एक गोली ने दोनों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बिल्ला नाम के शख्स ने अपने चार साथियों के साथ गोली चलाई, जो नशे में चूर था। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्ला और उसके साथी स्टेज पर डांसर के साथ डांस करना चाहते थे, लेकिन कुलविंदर ने डांस करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नशे में चूर बिल्ला ने गोलियां बरसा दी। लेकिन गोली चलने के बाद जो कुछ हुआ, उसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ये देखिए किस तरह महिला को गोली लगने के बाद उसे स्टेज से घसीटकर उतारा जा रहा है। क्रूरता के लिए भले ही तालिबान कुख्यात हो, पर इन जालिमों ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। महिला के शव के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जिसने वहां मौजूद लोगों को सन्न कर दिया। ये घटना सीधे सीधे पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहां सरेआम लोग गोली चलाते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में अब तक एक ही शख्स की गिरफ्तारी हो पाई है। इस वारदात के बाद अब पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई घंटों बाद जाकर इस मामले में एक गिरफ्तारी हो पाई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।